नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम के युवक की हत्या के मामले को अब क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब इस मामले की जाँच करेगी। फॉरेंसिक टीम भी मंगोलपुरी का दौरा करेगी और साक्ष्य जुटाने की कोशिश करेगी। जी, आपको बता दें, दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद मंगोलपुरी पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रिंकू के परिवार ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। मामले में नाजुक स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। रिंकू शर्मा के परिवार के लोगों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा। इस पत्र में रिंकू के भाई ने आरोपियों का नाम लेकर कहा कि इन लोगों द्वारा मेरे परिवार पर लाठी डंडों और चाकू से हमला किया गया। इस हमले में रिंकू शर्मा की मौत हो गई। ऐसे में मुझे और मेरे परिवार को दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। पुलिस का कहना था कि पार्टी में हुए झगड़े के बाद विवाद बढ़ा और इसके बाद ये वारदात हुई। इस घटना को लेकर 3 चश्मदीदों का बयान सामने आया। बाबू नाम के शख्स ने दावा किया कि रेस्टोरेंट में उसकी जन्मदिन पार्टी में सभी दोस्त इकट्ठे हुए थे। यहां आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद सभी रेस्टोरेंट से चले गए, लेकिन बाद में ये घटना हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।